बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान ने ट्विटर पर अपनी एक बीमारी की चपेट में आने की खबर दी थी। इस खबर के फैलने के बाद फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स ने उनके जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआ करना शुरू कर दी थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि इरफान खान को ब्रेन कैंसर हुआ है, लेकिन ये बात कोरी अफवाह थी। ऐसे में अब उनकी पत्नी ने इरफान खान की बीमारी पर अपना बयान दिया है। इरफान की पत्नी सुतापा सिकंदर ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरे सबसे प्रिय दोस्त और मेरे साथी एक योद्धा है। वह जीवन की हर बाधा से बड़ी खूबसूरती के साथ लड़ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके फोन्स और संदेश का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पूरी दुनिया से आ रही बेशकीमती दुआओं के आभारी हैं। उन्होंने अपने पोस्ट की लास्ट में लिखा, कृपया अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को सिर्फ ये जानने के लिए बर्बाद ना करें कि क्या हुआ है। मेरा परिवार भी जल्द ही आपकी खुशियों में भी शामिल होगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया। आपको बता दें कि इरफान दीपिका के साथ निर्देशक विशाल भरद्वाज की फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन इरफान की बीमारी के चलते उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।